अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020। पहले इस पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पहला पॉल आर मिलग्रोट एवं रॉबर्ट बी विल्सन, या माइकल क्रेमर एवं एस्थर डफलो, या फिर फ्रेडरिक जूलियट एम एडवर्ड आई मोसर, या फिर कार्ल फर्डिनेंड एम गर्टी थेरेसा। तो 2020 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है उनका नाम है पॉल आर मिलग्रोम एम रॉबर्ट बी विल्सन। ए वाला ऑप्शन सही है। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। 12 अक्टूबर 2020 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2020 हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार द सिरिच रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2020 की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को जो है प्रदान किया गया है। उनका नाम है पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। इन दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को जो है इस बार का अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है मिला है। यह पुरस्कार इनको नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार स्वरूप उन्हें दोनों अर्थशास्त्रियों को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि जो है दी गई है, जिसे को इनके इनको बराबर बराबर बांटा जाएगा इन दोनों के मध्य। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष जो है यह पुरस्कार संयुक्त रूप से निम्न तीन अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया था। पिछले वर्ष जो है जिसमें से भारतीय मूल के एक थे अभिजीत बनर्जी, ये भारतीय मूल के थे, एक थे एस्थर डफलो, एक थे माइकल क्रेमर। तो ये तीन अर्थशास्त्री पिछले वर्ष जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीते थे। इस वर्ष जो है दो लोगों को मिला है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को जो है ये जो पिछले साल जिनको मिला था, इन तीनों अर्थशास्त्रियों को वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण हेतु जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित जानकारी। स्वेरिजेज रिक्स बैंक जो है, जो स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, ये जो है स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में जो है आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की गई थी। वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जो है रैगनर फ्रिस को मिला था। जॉन टिनबर्गन को प्रदान किया गया था। इन दो लोगों को मिला था जो पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, रैगनर क्रिस और जॉन टिनबर्गन। इलिनार ओस्ट्रॉम ने वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, तथा एस्थर डफलो जो है ये 2019 में दूसरी महिला बनी है। एस्थर डफलो जो थी इनो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी हैं। एस्थर डफलो संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। जो विश्व खाद्य संघ कार्यक्रम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को इसे जो है वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है नोबेल पीस प्राइज प्रदान किया गया है।